नेक्स्ट है द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, हिज आईज वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल. Sometime his hand shook and sometime he sat in a chair and nodded off. In the evening, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. He was slow and clumsy. Sometime he broke a glass, sometime he dropped a spoon, and sometime he spilled soup on his clothes. He was an old man after ओके. अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे थे. वो अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, वो ताकतवर नहीं थे, उनकी आईज बहुत ज़्यादा डिम हो गई थी, उनको बहुत कम दिखाई देता था, उनके हाथ बहुत ज़्यादा कांपते थे. जैसा कि हमने देखा है कि हमारे भी जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे घरों में हमारे नाना दादा जो होते हैं, जो बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं. उनके हाथ में कुछ पकड़ाया जाए तो वो नहीं पकड़ पाते, उनके हाथ कांपने लगते हैं. ठीक है, वो जहाँ भी बैठते थे, अगर चेयर पर बैठे तो वहाँ पर ऊँग आ जाती, यानी वो सो जाते थे. एक शाम ये हुआ कि जब वो डिनर टेबल पर बैठे हुए थे तो मैनफ्रेड एंड थेकला, यानी जो उनके बेटे और बहू थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे ग्रैंडफादर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्लो हो गए थे, हर काम बहुत स्लो स्लो, खाना खा रहे तो बहुत स्लो खाना खा रहे हैं और बहुत सुस्त हैं, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनसे गुस्से में थे. अब कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि अगर उनके पास कोई ग्लास है तो ग्लास जो है वो हाथ से फेंक देते थे, टूट जाता था, कोई चम्मच गिरा देते थे. और कभी ऐसा भी होता था कि अगर वो कभी कोई सूप पी रहे हैं या कुछ ऐसी कोई पीने वाली कोई चीज़, लिक्विड कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर सूप को मेंशन किया गया है कि जब वो सूप पी रहे होते थे तो वो सूप भी जो है वो अपने कपड़ों पर गिरा दिया करते थे. अब चलो वो बूढ़े थे, ठीक है, उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो बूढ़े हैं और बूढ़ा इंसान जो है वो कमज़ोर हो जाता है. ठीक है, वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील द ओल्ड मैन ड्रॉप हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, क्रैश इट, स्मैश इन टू 100 टाइनी पीसेज ऑन द एंड द फ्लोर फेल ऑफ ओवर द प्लेस. थेकला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, बट हाउ एंग्री दे वर. आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट. They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. अब ये हो गया था कि एक दिन ऐसा हुआ कि रात के खाने पे जो उनके ग्रैंडफादर थे उनसे जो वो प्लेट गिर गई, और प्लेट जो है जब गिरी तो वो छोटे छोटे पीसेस हो गए उसकी, क्योंकि वो कांच की प्लेट थी, और जब ज़मीन पे गिरी तो वो टुकड़ों में हो गई, और उसके साथ साथ जो है वो तमाम खाना जो था वो भी फ्लोर पे गिर गया. अब जो है उनकी बेटा और बहू जो थे, थेकला जो थी और उनके जो बेटे थे मैनफ्रेड, वो जो है वो फ्लोर साफ़ कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. अब इस एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ कि वो बाज़ार गया और उन्होंने बाज़ार से बहुत ही सस्ता जो है वो एक लकड़ी का बाउल ख़रीदा, और वो अब अपने ग्रैंडफादर को जो थे वो उसी में खाना देते थे. वो उनको जो है वो अपने साथ बिल्कुल कॉर्नर पर बिठाने लग गए थे, यानी वो अपने साथ भी उनको बिठाना पसंद नहीं कर रहे थे. ओके, द ओल्ड मैन वॉज सैड, ही कीप क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन. वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स थेकला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील. व्हेन द मील वॉज रेडी दे कॉल्ड फॉर विलेम. दे लुक्ड इन हिज रूम बट ही वॉज नॉट देयर. वेयर कुड दैट बॉय बी, कॉल थेकला. मैनफ्रेड हैड नो आइडिया. ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विलहेम, बट द ओल्ड मैन शुक हिज हेड. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब उन्होंने लकड़ी के बाउल पे अपने बूढ़े को खाना, मतलब बूढ़े जो ग्रैंडफादर थे उनको जब खाना देना शुरू कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और जो बिल्कुल खामोश हो गए थे, और वो किसी से कोई कंप्लेन भी नहीं करते थे. अब एक शाम ये हुआ कि मैनफ्रेड और थेकला जो थे वो अपना तमाम काम ख़त्म करने के बाद रात का खाना बनाया, और जब उन्होंने खाना रेडी कर लिया तो वो अपने बेटे को बुलाने लगे. उन्होंने हर जगह देखा, उसको उसके रूम में भी देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था. थेकला ने कहा कि ये लड़का कहाँ चला गया, मैनफ्रेड से कहा, तो मैनफ्रेड ने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं नहीं जानता. फिर उन्होंने ओल्ड मैन से पूछा तो ओल्ड मैन ने जो है वो सर हिला दिया कि उनको भी नहीं पता.
थेकला एंड मैनफ्रेड बिकम अ लिटिल वरिड. दे लुक आउट ऑन द स्ट्रीट बट विलियम वॉज नॉट देयर. देन दे सो अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप. दे वेंट टू लुक. ठीक है, मैनफ्रेड एंड थेकला जो थे वो अब जो है वो थोड़े बहुत परे थोड़े थोड़े बहुत ऐसा ऐसा जो है वो परेशान होते दिखाई दे रहे थे. उन्होंने बच्चे को जो है वो बाहर गली में भी देखा लेकिन वो वहाँ नहीं था. ठीक है, उसके बाद उन्होंने इनकी नज़र पड़ी कि जो उनका वर्कशॉप था जहाँ वो काम करते थे, जहाँ वो फर्नीचर बनाते थे, वहाँ की लाइट खुली हुई थी. तो उन्होंने उसको वहाँ देखा. दे स्टेप इन टू द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर. ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड. अह देयर यू आर, सेड थेकला. वॉट आर यू मेकिंग सन, आस्क्ड मैनफ्रेड. विलियम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चिसल. ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स. आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, replied the boy. The parents looked to each other, their eyes filled with tears. अब क्या हुआ, ये हुआ कि वो जो है वो बच्चे को जब उन्होंने देखा कि वर्कशॉप की लाइट खुली हुई है तो वो वर्कशॉप में जो है वो बच्चे को देखने गए तो उन्होंने ये देखा कि बच्चा जो है वो वहाँ पर वर्कशॉप पे कुछ काम कर रहा है. उसके हाथ में चसल है और वो लकड़ी का एक बाउल बना रहा है और उस पर वो जितना मेहनत कर सकता है उतना वो मेहनत कर रहा है उस बाउल को बनाने में. तो उस पर थेकला ने उससे पूछा कि तुम यहाँ हो और क्या बना रहे हो. फिर उसके थेकला ने कहा कि तुम यहाँ हो, मतलब एक आह भरी कि आह तुम यहाँ हो. और उसके बाद उसके जो वाले साहब थे मैनफ्रेड, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम यह क्या बना रहे हो. तो विलियम ने जो है वो एक जो लकड़ी का बाउल जो बना रहा था वो उसने रखा और अपने पेरेंट्स को देखकर कहा कि मैं एक लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ जिस जो जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को इसमें खाना दूंगा. बच्चे ने जो है वो अपने पेरेंट्स को देखा था कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसके दादा जान से दादाजी जो थे उसके उनसे वो किस तरह का सलूक कर रहे थे. यानी हम जैसा सलूक जैसा रवैया अपने बड़ों के साथ करते हैं वैसे ही बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ भी यही करते क्योंकि वो उनको ये लगता है कि ये सही कर रहे हैं. तो बच्चे ने देखा कि मेरे पेरेंट्स जो है जब मेरे दादा बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और मेरे दादा बहुत बूढ़े हो गए तो मेरे पेरेंट्स ने उनको बहुत ही लकड़ी का बहुत ही सस्ता सा प्याला दिया है लकड़ी का और उसमें वो खाना खाते हैं. तो बच्चे ने कहा कि मैं अभी से आपके लिए एक लकड़ी का प्याला बनाऊँ ताकि जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप इसमें खाना खाएंगे. जब पेरेंट्स ने ये सब सुना तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो एक दूसरे को देखने लगे. कम डिनर इज़ रेडी, सेड थेकला सॉफ्टली एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस. After this, Thekla and Manfred always asked the old grandfather to sit with them at table. Thekla ने अपने बेटे को कहा आ जाओ खाना तैयार है और उसने जो है वो अपने बेटे को अपने बाजुओं में लिया. अब यहाँ पे बाजू ऐसे भी हो सकते हैं कि उसने गोद में लिया या अपने बेटे को अपने हाथों में लिया और जो है अपने बेटे को लेकर वापसी जो है वो तीनों घर आ गए. उसके बाद ये हुआ कि मैनफ्रेड और थेकला जो थे वो हर दफ़ा अब उनको ये एहसास हो गया कि हमने गलत किया और जो हमने किया तो हमारा बेटा भी ये जो देखकर हमारे साथ यही करेगा. तब उनको ये एहसास हुआ और उन्होंने जो है वो अपने ग्रैंडफादर को अपने साथ बिठाना शुरू किया और उनके साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया. अब वो हर दफ़ा उनसे पूछते खाने का पूछते और उनका ख्याल रखते. ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर. ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ आया होगा और इसमें जो भी आपको आप लोग जो है आपको यकीन है, मुझे यकीन है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप लोग भी इसकी रीडिंग करिएगा और इसको समझिएगा. इसके साथ साथ इसका जितना भी वर्क है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो तमाम जो है वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप आराम से इसको अपनी कॉपी में कर सकें. अदरवाइज़ इसके साथ साथ आपको वर्ड्स सेंटेंसेस भी दिए जाएंगे जो वर्ड सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से पढ़िएगा, इसको समझिएगा. जो भी समझ ना आए वो थर्सडे को जब हमारी क्लास होगी, जब हम ऑनलाइन होंगे तब आप हमसे इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा. ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.